आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इस बिजनेस के अंदर लोगों को इनवाइट कैसे करें, इस बिजनेस में लाने के लिए लोगों को हमें किस तरीके से इनविटेशन देना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इस बिजनेस से जुड़ना चाहें, हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मीटिंग्स के अंदर आए, हमसे बात करना चाहें, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें और हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहें, तो हमें कौन से वो तरीके अपनाना चाहिए जिससे लोग हमारे कहने से मीटिंग का पार्ट बन पाए, जिसको बोलते हैं इनविटेशन, जो बेसिक है, जिसको मैं बोलते हैं इनविटेशन बैकबोन होता है हमारे बिजनेस का। हमें लोगों को इनवाइट करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली कड़ी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनविटेशन, कि हम लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इनविटेशन के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप, दो टाइप से आप लोगों को इनवाइट करते हैं, दोनों टाइप से, एक है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट इनविटेशन। अच्छा, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे कैसे आप इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। इनडायरेक्ट इनविटेशन आपको उन गेस्टों का करना है, अपने उन दोस्तों का करना है, अपने उन प्रोस्पेक्ट का करना है, जिनको अभी तक आपके बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो आप क्या बिजनेस करते हैं। तो जब आपके दोस्त को या आपके गेस्ट को ये आइडिया नहीं है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को आप इनडायरेक्ट इन्विटेशन देंगे। और जब आपके फ्रेंड्स को या दोस्त को या फिर आपके जो भी गेस्ट हैं उनको ये चीज पता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आप डायरेक्ट इन्विटेशन का सहारा लेंगे, वहां पे आप इनडायरेक्ट इन्विटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन के ऊपर कि इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे किया जाता है, उन लोगों का इन्विटेशन जिनको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके बिजनेस के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज एक ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट इन्विटेशन का मतलब यह है कि अगर आप सामने वाले को सिर्फ कॉल करके इन्विटेशन करेंगे, ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन नहीं है। आज के टाइम में लोग हमारे साथ में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लोगों को इनवाइट करने में। मैं सिखाऊंगा आपको कि कॉल करके उनको कैसे बोलना है या मिलके उन्हें कैसे बोलना है, लेकिन पहले आपको सीखना होगा कि आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग हमें देखते रहते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया एक ऐसा आज ऐसी चीज है सोशल मीडिया जहां पर हर इंसान दिन में कम से कम तीन से चार घंटे जाते ही जाता है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर है, फिर चाहे वो फेसबुक के ऊपर है। तो सोशल मीडिया टूल्स आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लोगों को इन्वाइट करने में। इन्विटेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको लोगों को क्यूरियस करना बहुत जरूरी होता है कि आपने कुछ नया शुरू किया है, आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे सामने वाले के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। समझाना ये चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आपकी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज है, आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है, आपकी जो फेसबुक स्टोरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लोगों को आपके इन्विटेशन में, लोगों को इन्वाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप डेली बेसिस पे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर या व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर फेसबुक के ऊपर क्या चीजें शेयर करते हैं, यहीं से पता चलता है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया। क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में अगर आप बाहर जाके खाना भी खाते हैं ना, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, आज हमने यहाँ पे खाना खाया, ऐसा होता है। हम कहीं घूमने जाते हैं, हम फोटो शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस से रिलेटेड चीजें जब हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करेंगे, जब हम व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगातार हर दिन शेयर करते रहना है जिससे लोगों को ये पता रहे कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, यहां से आपको इन्विटेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, सबसे पहली चीज। दूसरा काम क्या करना है, पहले आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, इन जगह पर डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें, ऐसी चीजें जो लोगों को अट्रैक्ट करें। क्योंकि देखो हमेशा आपको अट्रैक्शन की कला सीखनी होगी, हमेशा आपको लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना होगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस लोगों को अट्रैक्ट करने का है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का है कि भैया आपने कुछ नया स्टार्ट किया। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपनी स्टोरीज के अंदर लेके आओ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपने स्टेटस के अंदर लेके आओ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लेके आओ, ताकि लोग जब उन स्टोरीज को देखें, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा समय यहीं पर बिताते हैं, तो लोग जब आपकी स्टोरीज को देखें, लोग जब आपके स्टेटस को देखें, तो वहां से अट्रैक्ट हो और आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं, और यहीं से आपका इनविटेशन शुरू हो जाता है, सबसे पहली चीज।
दूसरी चीज कि चलिए ठीक है, यहां से आपको कुछ इनविटेशन मिलेंगे, इसके अलावा जब आप लोगों को इनडायरेक्ट इनविटेशन करते हैं तो आप लोगों को इनवाइट कैसे करें। हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हम अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव को इनवाइट कैसे करते हैं। भाई मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, उसमें ऐसे ऐसे काम करना होता है, हम उसको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अभी खुद को पूरी नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की। अगर आप सोच के देखिए, आपने इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किया है, 10 दिन पहले ज्वाइन किया, 15 दिन पहले ज्वाइन किया, तो आप 10 दिन या 15 दिन में इस बिजनेस को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। मैं बातचीत कर रहा था कि जब भी हम किसी को इनविटेशन करें, जब भी हम किसी को इनवाइट करें, इनविटेशन दें, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें सामने वाले को सीधा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना है, हमें फॉर्म का यूज करना है। फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म। फॉर्म का पहला वर्ड है एफ। एफ कहता है फैमिली के बारे में बातचीत करना शुरू करें। सभी ह्यूमन बीइंग्स एक इमोशनल कनेक्शन रखते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, चाहे आप पर्सनली मिलें, चाहे आप कॉल पे इनविटेशन करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे बातचीत करके उनको इनविटेशन कर रहे हैं, आप सबसे पहले फैमिली के बारे में बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि हर किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी फैमिली ही है। आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है, उसी तरीके से इस दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली है। उसकी फैमिली में आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीजें हो सकती है, ये आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आपके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि सामने वाले की फैमिली ठीक है ना, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करें फैमिली के बारे में बातचीत करना, क्योंकि बोला भी जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये रिलेशन बनाने की मार्केटिंग है, यहां आप बिजनेस को रिलेशन के साथ में ही कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस इमोशन के ऊपर चलता है, हर एक बिजनेस इमोशन से चलता है और हर एक बिजनेसमैन को इमोशन से बाहर रहना पड़ता है। सो अगर आपको कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना है तो उसमें इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग का तो नाम ही रिलेशनशिप मार्केटिंग है, तो यहाँ आपको सबसे पहले सीधा बिजनेस के बारे में बातचीत शुरू नहीं करके सबसे पहले आपको लोगों से उनकी फैमिली के बारे में जानना जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने उनको बिजनेस देना है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चीज जानते हैं कि रिश्ते इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे काम आते हैं। एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी के शोध में यह दावा हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग वो नहीं है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग नहीं है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना ही वो लोग ज्यादा खुश है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग हैं दोस्तों जिनके अपने जानने वालों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आपको लोगों से रिश्ते बनाने आ गए, अगर आप लोगों के साथ रिलेशन बनाने में माहिर हैं, अगर आप लोगों के साथ रिश्ते बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि रिश्ते ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको हमेशा याद रखते हैं कि यार वो लड़का बहुत अच्छा था, यार वो आदमी बहुत अच्छा था। तो आपको रिलेशन बनाना सीखना है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अगर आपको लोगों के साथ रिश्ते बनाना आएगा तभी आप हो पाएंगे, क्योंकि खुश रहने के लिए लोगों के साथ रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी शुरू करें, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करें, किसी को भी आपको बताना है, हमेशा फॉर्म का यूज करें, और फॉर्म का पहला वर्ड है फैमिली। सबसे पहले सामने वाले से उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करें कि उसकी फैमिली में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड फैमिली की बातों से आगे बढ़ते हुए आप आए ऑक्यूपेशन के ऊपर, यानी जो काम वो करते हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में बातचीत करना शुरू करें, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बारे में बातचीत करना शुरू करें, अगर वो कोई और काम करते हैं तो उस काम के बारे में बातचीत करना शुरू करें। क्योंकि लोगों के उनके करंट प्रोफेशन के बारे में बातचीत करते हुए ही आप एक प्रॉपर रिलेशन बना सकते हैं। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है जो जॉब कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यही पूछना इंपॉर्टेंट है कि उसकी जॉब चल कैसी रही है। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है तो आपके लिए यह जानना इंपॉर्टेंट है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर कोई किसी कोचिंग की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ऑक्यूपेशन के ऊपर बातचीत करें। एंड जब दोनों बातचीत करने के साथ साथ आपको अब थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। अब जब आप उनसे फैमिली के बारे में बातचीत कर रहे होंगे या ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो आपको इसी बीच में उनके साथ में आपके एक रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और इसी बीच में आपको पता चलेगा कि अब आप सामने वाले को क्या वो रिक्रिएशन पॉइंट दे सकते हैं जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो सकता है। अब रिक्रिएशन पॉइंट आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आपके उसी टाइम पे जो इंस्टेंट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को अब ऐसा क्या बोलें कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो। जैसे मैं क्या बोल सकता हूं, मैं आपको जैसे लॉकडाउन का टाइम है
तो आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जैसे सामने वाले से पूछ लिया कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो बोलेगा यार ठीक ठाक चल रही है, बाकी तो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी लॉकडाउन के अंदर ऐसा कुछ शुरू किया है जिससे मैं आने वाले समय में अपने कॉलेज की फीस खुद से भर सकता हूँ, ये है रिक्रिएशन पॉइंट। या फिर लॉकडाउन के अंदर मैंने ऐसा कुछ शुरू किया है जिससे अपने घर बैठे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के 8 से 10 हजार रुपए महीने के कमाना स्टार्ट कर दिया हूं, ये है रिक्रिएशन पॉइंट। अच्छा लॉकडाउन के अंदर मैंने ऐसी दुकान से सामान लेना स्टार्ट किया है जहां मुझे आधी रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ये है रिक्रिएशन पॉइंट। रिक्रिएशन पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जहां आप सामने वाले को कुछ ऐसा बताते हैं जिससे सामने वाला क्यूरियस होता है कि आपने ऐसा क्या स्टार्ट किया है। उसमें आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर मैंने ऐसा काम शुरू किया है जहां मुझे कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा और मैं आज 8 से 10 हजार रुपए महीने के कमा ले रहा हूँ, या फिर मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद से भर दूंगा, या फिर मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से आने वाले 2 से 3 महीने में मैं अपने लिए बाइक परचेज करने वाला हूँ, मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से आने वाले टाइम में मैं अपने पापा को इतने रुपए गिफ्ट करने वाला हूँ, मैंने कुछ ऐसा शुरू किया है जहां से मैं अपने रूम का खर्चा खुद से चलाने वाला हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होने वाला हूँ। ऐसी कुछ चीजें जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ड्रीमर्स हैं, हमें लोगों के ड्रीम्स के ऊपर बात करनी है, हमें लोगों को बताना है वो चीज जो लोगों के लिए सपना है वो हमने अचीव करना स्टार्ट कर दिया है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके तो यहां आता है रिक्रिएशन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट देना जिससे सामने वाला क्यूरियस हो सके कि यार इसने क्या ऐसा स्टार्ट किया है। पता है हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही हम ये पॉइंट बताते हैं सामने वाला पूछता है क्या शुरू किया है, और हम यहीं पर प्रेजेंटेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा प्लान है, इस तरह से वस्तीज है, इस तरह से जॉइनिंग होती है, यही ऐसा, ये नहीं करना होता है। आपको क्या समझाना है उनको कि अगर भाई तुम्हें उसके बारे में अच्छे से जानना है तो मैं शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा, आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालो, और 1 घंटे का टाइम निकाल के या तो मुझे मिल लो अगर मिलना पॉसिबल है तो, और अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो जूम के ऊपर आप आ जाओ, और अगर आप जूम के ऊपर अभी नहीं आना चाहते तो कल मेरी अपलाइन की, मेरे सीनियर की इतने बजे मीटिंग है, आप उस मीटिंग का पार्ट बनो, इतने बजे आप फ्री रहो, वहां पे इस चीज के ऊपर प्रॉपर वेबिनार होने वाला है जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। सामने वाले को बिल्कुल क्लियर कर दो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा आपको नहीं पे करना है, आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क है ये वेबिनार, सिर्फ 1 घंटे का ये वेबिनार होगा, और यहाँ आप एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं अपनी अप्लायंस की और उस प्लेटफॉर्म की। मैं तुम्हें बता सकता हूं दोस्त, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा, और जो मेरा दोस्त कल इस प्रेजेंटेशन को देगा वो आज इतने रुपए कमा रहा है, या जो भी एक्चुअलिटी है, जो सच्चाई है वो आप बताएं। तो यहां आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन जब लोगों का करना है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट इन्विटेशन करते टाइम आपको प्रेजेंटेशन वाली बातें नहीं बतानी है, प्रेजेंटेशन वाली चीजें शेयर नहीं करनी है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इन्विटेशन के अंदर ही कंपनी की प्रोफाइल बताना शुरू कर देते हैं, कंपनी का नाम बताना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं, उन चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर बताई जानी है। अगर हमने इनविटेशन में ही ये सब बताया तो फिर प्रेजेंटेशन में क्या बचेगा, फिर प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया कि जब भी आप किसी को इनडायरेक्ट इनविटेशन करेंगे तो आप इस तरीके से सामने वाले का इनविटेशन करेंगे। अब इस सबके बीच में एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि जब आप किसी को इस तरीके से इन्विटेशन करें तो सामने वाला आपको बोल सकता है अच्छा डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं, अच्छा वो कोई जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है, अच्छा बस्टीज तो नहीं है, अच्छा ऐसा तो नहीं है, ऐसा वो बोल सकता है क्योंकि हो सकता है उसने आधी अधूरी नॉलेज कहीं से ले रखी हो। अब पता है हम में से आधे से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, यार इसको तो पता है यार वेस्टीज है। सर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि लोगों के पास आधी नॉलेज होती है, और आधी नॉलेज हमेशा हम बोलते हैं हानिकारक होती है। अगर उनको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको अब उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि सर देखो अभी आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो मेरे कहने से अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है FFF। ध्यान से समझना, जब भी आपको सामने वाला ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, जैसे आपने इनडायरेक्ट इनविटेशन किया, सामने वाले ने बोला डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, जुड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है, वस्तीज तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगाना है FFF। FFF क्या होता है, फील फेल्ट फाउंड। जो सामने वाला फील कर रहा है उसको ये बताओ कि तुम जैसा फील कर रहे हो वैसा मैंने भी फील किया है, वैसा मुझे भी महसूस हुआ है, और मुझे वहां से क्या रिलाइज हुआ। जैसे सामने वाले ने बोला अच्छा डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, तो आपको क्या समझाना है, नहीं देखो तुम्हें अभी इस चीज के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है मेरे दोस्त, जब मुझे भी इस चीज के बारे में पता चला था तो मैं भी इसी तरीके से कंफ्यूज था कि कहीं वो वाला काम तो नहीं है।
लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये बहुत अलग है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है। और तब जब मैंने उस प्रेजेंटेशन को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं थी और मुझे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद समझ में आई। आपने ट्रिपल एफ लगा दिया, जो वो बोल रहा है आपने मान लिया, आपने उसकी बात नहीं काटी और वहीं को उसे समझाया कि आपको, अब देखो आप सामने वाले को कभी भी ये बोलते हो ना कि आप गलत हो तो सामने वाला कभी नहीं मानता कि वो गलत है। उसको हमेशा, आपको कभी भी किसी को गलत बोलना है ना तो आप उसे क्या बोलो कि सर आप जो बोल रहे हो वैसा ही मैं सोचता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ। तो अल्टीमेटली आपने सामने वाले को बताया कि वो गलत है, लेकिन आप कभी भी सामने वाले को डायरेक्टली ये बोलेंगे ना कि आप गलत हो तो आपके वहां से रिलेशन खराब होने के चांसेज है। एक चीज हमेशा मैंने किताबों से सीखी है कि कभी भी सामने वाले को शाबाशी दो तो खुले में दो, और कभी भी सामने वाले को आप डांटो, समझाओ या बोलो कि आप गलत हो तो हमेशा अकेले में बोलो, क्योंकि सामने वाला जो अपने बारे में गलत बातें सुनना कभी पसंद नहीं करता। तो आपने अगर सामने वाले को डायरेक्टली ये बोल दिया कि आप गलत हो, आपको कुछ नहीं आता, तो ये सामने वाले को चुप जाता है। आपको क्या बोलना है, आप जो बोल रहे हो वो सही है क्योंकि ऐसा ही मैं सोचता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा सही नहीं है, मैं गलत था। तो अल्टीमेटली आप गलत हुए तो मतलब वो भी गलत हो गया, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको नहीं बोला कि वो गलत है। तो कहीं ना कहीं इससे आपका रिलेशन उनके साथ में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज काम आती है लोगों के साथ में इनविटेशन करने में, जब आप किसी का इनडायरेक्ट इनविटेशन करते हो। ट्रिपल एफ लगाने के बाद आपको थोड़ा सा उसे इमोशनली कनेक्ट करना होता है कि भाई तुम्हें अपने भाई पे विश्वास होगा, अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो बेहतर ही बताऊंगा। तो यहाँ जब इमोशनली कनेक्शन लगाते हैं तो 100% वो आपके साथ आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्टीमेटली आपको लोगों को इन्वाइट करने में एक इमोशन जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने दोस्तों को मैक्सिमम इस बिजनेस के अंदर इनविटेशन देते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी इनडायरेक्ट इनविटेशन की। अब क्वेश्चन आता है कि सर जिन लोगों को पता है, जैसे आपको कई लोग बहुत टाइम से करते हुए देख रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी बस टीच कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस के बारे में भी जानते हैं, पहले हो सकता है उन्होंने कभी प्लान देख रखा हो, तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी ये बात पता है कि आप बस टीच करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उन लोगों को इन्विटेशन कैसे दें? तो उन लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है डायरेक्ट इन्विटेशन, उनको इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते आप, उनको आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ स्टार्ट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि आपने कुछ स्टार्ट कर रखा है, वो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंटेशंस कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू देख चुके हैं। तो यहाँ पे काम आता है डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन मतलब आपको सामने वाले को बताना है कि देख भाई तुझे पता है कि मैं बस टीच करता हूँ, देख भाई तुझे पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तुझे शायद ये नहीं पता कि मैं ये चीज क्यों करता हूँ, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ यार कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन मैं तुझे बताना चाहता हूँ। देख तू मेरा अच्छा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि तुम और हम अच्छे से इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस बिजनेस के अंदर ऐसी कुछ खूबसूरत चीजें हैं जो तुम शायद अभी नहीं जान रहे हो, क्योंकि मैं भी जब इस बिजनेस के अंदर आया था मुझे खुद को आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें सीखी जो मैं एज ए दोस्त, एज ए भाई तुम्हें समझाना चाहता हूं, और तुमसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल जो वेबिनार है उसे मेरे कहने से एक बार अटेंड करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा, ज्वाइन करना या ना करना आपकी मर्जी है। देखो सामने वाले को क्लियर करके आओ कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपका ज्वाइन करना ना करना पूरी तरीके से आपकी मर्जी रहेगी। पता है लोगों को डर क्या रहता है कि ये मीटिंग में बुलाएंगे, ये हमें जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, ये हमें हमसे पीछे पड़ेंगे, इसलिए लोग हमें मना करते हैं। तो आप लोगों को पहले ही ये क्लियर करके आओ कि सर ज्वाइन करना और ना करना पूरी तरीके से आपकी चॉइस रहेगी, आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कहने से एक बार आप इस पूरी मीटिंग को अटेंड करो, और अगर तुम्हें मजा नहीं आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि आज के इस वेबिनार से तुम्हें इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको लोग कितना भी मना करें, एक चीज जिसके लिए दुनिया कभी मना नहीं करेगी वो है सीखना, क्योंकि हर एक इंसान सीखना चाहता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ लर्निंग लेना चाहता है। आपको अगर कोई इंसान कितना भी मना करे, आप अगर चाहते हो कि वो आपकी मीटिंग में आए सब कुछ पता होने के बावजूद, तो वो एक ऐसी चीज है, वो है लर्निंग, जिसके लिए आप सामने वाले को बार बार एक ही मीटिंग के अंदर ला सकते हो। यकीन मानिएगा 2015 में मैं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बना था, मैंने अपने एक ही फ्रेंड को 27 बार अलग अलग मीटिंगों में बिठाया है, एक ही फ्रेंड को जिसने इस बिजनेस को 27 बार तक ज्वाइन नहीं किया, और मैंने 27 बार बिठाया है एक ही फ्रेंड को। आप सोच के देखो, एक ही मीटिंग को दिखाने के लिए मैं अपने एक ही फ्रेंड को 27 अलग अलग बार कैसे कन्विंस किया होगा। एक ही तरीका था, वो था लर्निंग। मैं अपने दोस्त को हमेशा समझाता था कि देख भाई तुझे पसंद नहीं आया, तुझे नहीं करना कोई बात नहीं,
लेकिन आज की मीटिंग में ना तुझे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे कहने से तू एक बार मीटिंग को अटेंड करके देख, अगर सीखने को ना मिले ना तो तू मुझे बोल देना भाई। और ऐसी हमारी कोई मीटिंग होती नहीं है जहां से सामने वाले को सीखने को ना मिले, ये आप भी जानते हैं। तो जब भी मीटिंग खत्म होती थी मैं अपने दोस्त से पूछता था, भाई मुझे नहीं पता तुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना, पहले बस मुझे ये बता सीखने को कुछ मिला कि नहीं मिला। उसने बोला हाँ यार सीखने को तो बहुत कुछ मिला, मतलब मैंने जो उसको कमिट किया था वो उसे मिल गया, अब मेरा काम है उसको ज्वाइन कराना। तो ज्वाइनिंग की टिप्स मैं बाद में बताऊंगा कि ज्वाइनिंग की टिप्स कैसे होती है, कैसे आप सामने वाले को ज्वाइन कराते हो। पहले टिप्स चल रही है कि सामने वाले को मीटिंग के अंदर कैसे बिठाया जाए, सामने वाले को प्लान देखने के लिए रेडी कैसे किया जाए। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्विटेशन के इन मेथड से सामने वाले को मीटिंग देखने के लिए रेडी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली ये बात यही है कि किसी भी इन्विटेशन में आपको आपकी कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में चर्चा नहीं करनी है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है।